हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्राइवेट बैंकों का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या है इंटरेस्ट रेट डिफरेंट प्राइवेट बैंक प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा प्राइवेट बैंकों का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि बिलो 60 इयर्स उन लोग के लिए अप्लीकेबल रहेगा ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। बैंक नेम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। मैंने यहाँ पे 4 ईयर का कॉलम ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है 3rd ईयर, 4 ईयर और फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐड नहीं किया हूँ। पहला बैंक है HDFC बैंक। 1 ईयर में 6.60, 2 ईयर में 7%, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 7%। ICICI बैंक 1 ईयर का जो है 6.70, 2 ईयर का 7.10, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 7%। एक्सिस बैंक 1 ईयर में 6.75, 2 ईयर में 7.10, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 7%। कोटक बैंक 1 ईयर में 7.10, 2 ईयर में 7% और 3 ईयर में 6.50 और 5 ईयर में 6.20। इंडसइंड बैंक 1 ईयर में 7.75%, 2 ईयर में 7.75%, 3 ईयर में 7.50 और 5 ईयर में 7.25%। बंधन बैंक 1 ईयर में 7.25, 2 ईयर में 7.25, 3 ईयर में 7.25 और 5 ईयर में 5.85। IDFC बैंक 1 ईयर में 6.50, 2 ईयर में 7.25, 3 ईयर में 7.25 और 5 ईयर में 7%। RBL बैंक 1 ईयर में 7%, 2 ईयर में 7.50, 3 ईयर में 7.10 और 5 ईयर में 7%। IDBI बैंक 1 ईयर में 6.80, 2 ईयर में 6.80, 3 ईयर में 6.50 और 5 ईयर में 6.50। येस बैंक 1 ईयर में 6.50, 2 ईयर में 7.75%, 3 ईयर में 7.25 और 5 ईयर में 7.25। कर्नाटका बैंक 1 ईयर में 7%, 2 ईयर में 7%, 3 ईयर में 6.50, 5 ईयर में 6.50। फेडरल बैंक 1 ईयर में 6.80, 2 ईयर में 7.25, 3 ईयर में 6.60 और 5 ईयर में 6.60। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइवेट बैंक जो है आप लोगों को 1 ईयर में भी अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 7.75 इंडसइंड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, फिर बंधन बैंक, फिर कोटक बैंक, RBL बैंक, कर्नाटका बैंक, ये सब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। और येस बैंक भी 7.50 दे रहा है। फिर टॉप नोच प्राइवेट बैंक जो है 6.70, 6.75 और 6.60% जो है इंटरेस्ट आप लोगों को दे रहा है। तो ये था 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 7.75% इंडसइंड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। फिर येस बैंक 7.75%, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ICICI बैंक 7.10 और बंधन बैंक 7.25, फेडरल बैंक। 3 ईयर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50 मिल रहा है इंडसइंड बैंक के द्वारा। फिर येस बैंक 7.25%, फिर बंधन बैंक, IDFC बैंक, ये सब आप लोग को 7.25% दे रहा है, ठीक है। और HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आप लोग को हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 7%। और 5 ईयर में यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है इंडसइंड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि 7.25 है। फिर येस बैंक, फिर IDFC बैंक, RBL बैंक, फिर HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक नेम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। मैं यहाँ पे कोई भी 4 ईयर का कॉलम नहीं ऐड किया हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही इंटरेस्ट रेट है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। और HDFC बैंक 1 ईयर में 7.10, 2 ईयर में 7.50, 3 ईयर में 7.50 और 5 ईयर में 7.50 दे रहा है। ICICI बैंक 1 ईयर में 7.20, 2 ईयर में 7.60, 3 ईयर में 7.50 और 5 ईयर में 7.50। एक्सिस बैंक 1 ईयर में 7.50, 2 ईयर में 7.85, 3 ईयर में 7.75% और 5 ईयर में 7.75%। कोटक बैंक 1 ईयर में 7.60, 2 ईयर में 7.50, 3 ईयर में 6.75, 5 ईयर में 6.70। इंडसइंड बैंक 1 ईयर में 8.25, 2 ईयर में 8.25, 3 ईयर में 8% और 5 ईयर में 7.75% दे रहा है। बंधन बैंक 1 ईयर में 7.75, 2 ईयर में 7.75, 3 ईयर में 7.75 और 5 ईयर में 6.60% दे रहा है। IDFC बैंक 1 ईयर में 7%, 2 ईयर में 7.75%, 3 ईयर में 7.75, 5 ईयर में 7.50। RBL बैंक 1 ईयर में 7.50, 2 ईयर में 8.30, 3 ईयर में 7.60 और 5 ईयर में 7.50। IDBI बैंक 1 ईयर में 7.30, 2 ईयर में 7.30, 3 ईयर में 7% और 5 ईयर में 7%। येस बैंक 1 ईयर में 8%, 2 ईयर में 8.25, 3 ईयर में 8% और 5 ईयर में 8%। कर्नाटका बैंक 1 ईयर में 7.40, 2 ईयर में 7.40, 3 ईयर में 6.90 और 5 ईयर में 6.90।
फेडरल बैंक 1 ईयर में 7.30, 2 ईयर में 7.75%, 3 ईयर में 7.10 और 5 ईयर में 7.10। तो आप लोग देख सकते हो 1 ईयर में जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है इंडसइंड बैंक दे रहा है, फिर बंधन बैंक, येस बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। 2 ईयर में इंडसइंड बैंक 8.25, आरबीएल बैंक 8.30, येस बैंक 8.25, फिर टॉपनोस प्राइवेट बैंक जो है 7.50, 7.60 और 7.85 दे रहा है, और 3 ईयर में 7.50 दे रहा है, फिर 7.75%, 6.75 और इंडसइंड बैंक 8%, फिर बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, ये सब आप लोग अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। येस बैंक भी आप लोग अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, और 5 ईयर में आप लोग देख सकते हो येस बैंक आप लोग को हाईस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, फिर एक्सिस बैंक 7.75%, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक 7.50, ये सब आप लोग को हाईस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, और आईडीबीआई बैंक 7% दे रहा है, फिर फेडरल बैंक 7.10 यहाँ पे आप लोग को दे रहा है। तो ये था सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि बिलो जो कि ग्रेटर देन 60 ईयर्स के लिए है। तो मैंने डिटेल में दोनों का बता दिया हूँ, नॉर्मल सिटीजन का और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।